का छात्र हूँ। आज मैं आपको संधि पढ़ाने जा रही हूँ। संधि मतलब जोड़, योग, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है बच्चों, स्वर संधि, गुण व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत हम तीन संधि आज पढ़ाने जा रहे हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। दीर्घ यानी जैसा कि नाम बड़ा, दीर्घ माने बड़ा, यानी बड़ा आ ई ऊ और रे बनने वाले संधि को हम पढ़ाएंगे दीर्घ संधि। जब अ प्लस के पहले आ हो और बाद में अ हो तो आ ही बनेगा। ऐसे ही प्लस के पहले ई ई है और बाद में भी ई ई है तो ई ही बनेगा। ऐसे ही प्लस के पहले ऊ ऊ है और बाद में भी ऊ ऊ है प्लस के बाद तो वह ऊ बनेगा। ऐसे री 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 प्लस री तो दीर्घ री बनेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं उदाहरण में, च प्लस अपी, च में आ छिपा हुआ है और बाद में प्लस के बाद आ है तो ये बना चापी। ऐसे ही देव प्लस आलया, देवालया, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, तदा प्लस अपि, तदापि। अब ई प्लस ई यानी प्लस के पहले ई और प्लस के बाद ई तो भी चाहे छोटा हो या बड़ा वो दीर्घ ई ही बनेगा। जैसे गिरि प्लस इंद्र, रा में ई की मात्रा है और प्लस के बाद ई है तो ई और ई मिलके बड़ी ई की मात्रा बनेगा गिरीन्द्र। ऐसे मुनि प्लस ईश, ना में छोटी की मात्रा और ई तो दोनों ई और ई मिलके बनेगा मुनीश। ऐसी लक्ष्मी प्लस ईशा, माँ में बड़ी ई की मात्रा है और प्लस के बाद भी बड़ी ई है तो ये बनेगा लक्ष्मीशा। ऐसे ही मही प्लस इंद्र, हा में बड़ी ई की मात्रा है और प्लस के बाद ई इंद्र वाला है तो ई और ई मिलके मही इंद्र बना। ऐसे ही ऊ के नियम में गुरु प्लस उपदेश, रा में छोटे ऊ की मात्रा प्लस के बाद ऊ उपदेश ऊ शुरू हुआ है तो गुरु उपदेश हो जाएगा। ऐसे सिंधु प्लस ऊर्मी, धामे ऊ की मात्रा प्लस के बाद बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बना सिंधूर्मी, बड़ा ऊ। ऐसे भू प्लस ऊर्ध्वम, भूर्ध्वम, वधु प्लस उत्सव, वधु उत्सव। आप री और री में देख रहे हैं आप छात्रों, री और री, पितृ प्लस ऋणम, पितृणम। ऐसे ही मातृ प्लस ऋणिम, ऋणम तो मातृणम हो जाएगा। अब मैं आपको छात्रों गुण संधि के बारे में बताने जा रही हूँ कि प्लस के पहले आ आ और प्लस के बाद ई ई है तो ए बनेगा। ऐसे ही अगला नियम है, प्लस के पहले आ आ और बाद में ऊ ऊ है तो वह ओ बनेगा। प्लस के पहले आ आ और प्लस के बाद री है तो अर बन जाएगा। इसके उदाहरण में बुक में देखिए, आप देख रहे हैं कि पहला गज प्लस इंद्र, जा में आ की मात्रा छिपी हुई है, छोटा अ और ई मिलकर के बनेगा ए तो गजेंद्र हो गया। ऐसे ही धन प्लस ईशा बनेगा धनेशा, धन में ना में अ मिला है और ई मिलके ए की मात्रा। ऐसे ही अ अ के बाद ऊ है तो ओ बनेगा। भाग्य प्लस उदय, यह में अ इनविजिबल दिख रहा है प्लस के बाद ऊ है तो ये जो है अ और ऊ मिलके ओ की मात्रा बनेगा शब्द भाग्योदय। ऐसे ही दया प्लस ऊर्मी, यह में आ की मात्रा है और ऊ आ और ऊ मिलके ओ की मात्रा तो दयोर्मी हो गया। ऐसे ही अगला नियम है गुण संधि का, आ आ के बाद यदि री है तो वो अर करके बनता है, रेफ में बन जाता है। उदाहरण जैसे दिया है आप देख रहे हैं, देव प्लस ऋषि, तो री जो है शिक्षा में छोटी की मात्रा उसके साथ रेफ के साथ जुड़ गया है देवर्षि उच्चारण करने में। ऐसे ही राजा प्लस ऋषि तो बनेगा राजर्षि। ऐसे ही अगला है छात्रों लास्ट जो संधि है वृद्धि संधि।
वृद्धि संधि में आ प्लस के पहले आ आ और बाद में ए आई है तो आई बनेगा। ऐसी प्लस के पहले आ आ है और बाद में प्लस के बाद ओ औ है तो औ बनेगा। इनके उदाहरण आपको दिख रहे हैं, सदा प्लस ए दा में आ की मात्रा और प्लस के बाद ए आ ए मिलकर के आई की मात्रा तो बनेगा सदैव। अगला है तव प्लस ऐश्वर्यम, व में अ जुड़ा हुआ है और ए आ और ए मिलकर के ए बनेगा तब ऐश्वर्यम। अगला है जैसे आ आ के बाद ओ ओ है, यानी उदाहरण है तव प्लस औषधि तो आ और औ मिलकर के औ बन गया, वा में आ मिला हुआ है तव औषधि। महा प्लस औषधिम, ऐसे ही हा में आ की मात्रा जुड़ी हुई है प्लस के पहले और प्लस के बाद औ है तो महौषधम। तो बच्चों ये आपको ये तीनों संधियों के उदाहरण आपको कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद।